अपडेट के नालू बीएम खबर आए तो वे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ अमनो अमान बाबत अहम इजलास इजलास में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मुर्तजा वहाब बेन शिरकत कई है। इन हवा से राबो किया कराची में आवाज टीवी के रिपोर्टर गाजी जंडीर सा। जी गाजी, कड़ा अपडेट सा है? जी बिल्कुल, समझो अरे वजीर से बरादरी शाह की सदारत हेठ वजीर अला हाउस में अहम इजलास थी रहे वे वजीर परे खा वापसी के बाद पे इजलास कराया है वजीर अला हाउस में जैमें समेत सिंध के घरू सेक्रेटरी उस्मान चाचड़ है पुलिस समेत एडिशनल आईजी कराची और बया ऑफिसर शरीक है। इजलास दौरान एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेहमान की तरफा ब्रीफिंग दी वही है वे वजीर के कराची शहर में अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। अज इजलास दौरान सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह आईजी सिंध पुलिस के हुक्म दिनों है तो कराची शहर अंदर जारी टारगेट ऑपरेशन के बेहतर किया वे उपाव कराची टारगेट ऑपरेशन के बेहतर करने ला वरता उनवा शहर अंदर जो स्ट्रीट क्राइम वाली शिकायत जन्म वन पुन उन मोह दियण पुलिस पानो किरदार अदा करें। इजलास दौरान वे वजीर आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक महर के यो हुक्म पे दिनों है दखलन के खिलाफ भी पुलिस किरदार अदा करे जी सरकारी इलाजन के कब्जा थन पावा ट्रैफिक की मैनेजमेंट के बेहतर करने ला भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अज सिंध के वे वजीर हुक्म जारी किया है। अज के इजलास में खुशूसी तौर पर कराची आम तौर पर सभी सिंध में हनुमान बहस थी रो है पुलिस की ब्रेकिंग का वे वजीर आईजी सिंध पुलिस ने बिन लागापियल अख्तियार जी ठीक है गाजी, बड़ी मेहरबानी अपडेट करने ला।